हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विजया ब्लॉग्स। आई नो राखी की वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। अभी हो रहे थे सुबह के 4 और हम लोग उठ गए थे। ये जो भी था, मतलब इस बार राखी बहुत ही अजीब गई, कुछ खास नहीं गई मेरी। टाइम का जो प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से, तो हम लोग ने शाम को नहीं बांधा था राखी, सुबह बांधा था। सुबह 4 बजे उठ के मैं तैयार हो रही थी यहाँ पर। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेकअप। मेकअप की वीडियो में अगर आप कहोगे तो मैं अलग से डाल दूँगी, इसमें मैंने नहीं डाली है पूरी। इफ़ यू एग्री, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेकअप की वीडियो चाहिए, तो मैं उसे डाल दूँगी। सो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, बाकी सब लोग भी उठ गए थे, नहा धो रहे थे, मैं और भाई रेडी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग राखी बांध लेते हैं, वेट क्यों करना है, नहीं तो टाइम का तो पता ही नहीं। फिर यहाँ पे मैं राखी बांधने जा रही थी, राखी वक्त की तैयारी हो गई थी, आरती की थाली मैंने रेडी कर ली थी। फिर मम्मी ने कहा कि यहाँ पे ऐसे, मतलब जो दिशा का वगैरह रहता है उस तरीके से बैठने के, तो भैया ने पोज चेंज कर लिया। मेरा कैमरा यहीं पर था, मैंने कैमरा स्टैंड में लगाया था क्योंकि कोई खाली नहीं था क्या वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैंने स्टैंड में लगा दिया कैमरा। उसके बाद हमने मनाई राखी, अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। ये वक्त अच्छा था 2 दिन में, मतलब इन दिनों राखी का इतना शेड्यूल चेंज हो रहा था कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, भद्रा वद्रा वगैरह जो भी रहता है, तो इन सब चक्करों में अजीब सा ही राखी सेलिब्रेट हुआ। सुबह 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, जल्दी 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 करो, तो ये हुआ कि 7 बजे तक कम हो रहा था, तो फटाफट फटाफट सब काम करना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग उठ के फिर रेडी हुए, नहाए धोए और सबकी राखी मैंने बांधी। मैंने तीनों बहनों की राखी बांधी, अपनी बांधी, और फिर मैंने इस तरीके से राखी सेलिब्रेट किया अपने भाई के साथ। फिर मैंने यहाँ पे राखी कंप्लीट कर ली, मतलब बांध ली। उसके बाद मम्मी को भी जाना था, मामी के यहाँ पे, मामा के यहाँ पे, तो वो लोग चले गए वहाँ पे। फिर हम लोग आए सपना के यहाँ पे, सपना को मेरा उठी नहीं, 4 बजे हम लोग उठाना पड़ा, 11:30 बजे आया कोई नहीं बेचारी, मतलब नेक्स्ट डे गए थे, दिन गई थी कहीं बाहर, तो इसलिए उसको लेट हो गया। फिर भी टाइम से वो रेडी हो गई और फिर हमने यहाँ पे आके सेलिब्रेट किया राखी। उसने भी भैया को राखी बांधा, मैंने भी भाभी को राखी बांधा। सुबह सुबह मतलब इतनी घाई हो गई थी ना कि फटाफट फटाफट इतना करो कि मुहूर्त निकल रही है, कर रही है, वो कर रही है, तो फिर इसी चक्कर में उस तरीके से इस बार राखी गया। और फिर उसी दिन भैया को भी जाना था, उसकी टिकट निकल गई थी अचानक से, तो फिर उसको रेडी होना था, पैकिंग करनी थी, तो हम लोग आ गए घर। पैकिंग वैकिंग किए उसकी कपड़े की, उसके बाद खाना वाना का मैंने तैयारी किया। फिर यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी खाना, सब्ज़ी बना रही थी उसके लिए, और बाकी सब तो बन ही गया था। और भैया सुबह का 4 बजे उठ के थोड़ा सा आराम कर रहा था, तो उसको बोला कि भाई तू हो जा, मैं करती हूँ। फिर वो आराम कर रहा था,
और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना मेकअप दिखा रही हूँ। आपको मेकअप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं मेकअप की वीडियो ज़रूर से ज़रूर डालूँगी। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हो रही थी, मतलब 75 साल हो गए हैं, तो फिर उसकी तैयारी 4 दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी। स्कूल के बच्चे हमारे सोसाइटी में घूम रहे थे और बड़ा अच्छा ही लग रहा था सबको देख के, और अलग ही फीलिंग आता है। सबने तिरंगा लिया हुआ था, हर घर तिरंगा ये नारा जो था इस साल का, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मतलब ऑलमोस्ट सबके घर पे मैंने तिरंगा देखा, ऑलमोस्ट सबके घर पे। यहाँ पे भैया हो गया रेडी, उसकी ट्रेन थी 1 बजे की, बट बाद में पता चला कि 4:30 घंटा लेट थी। फिर यहाँ पे भैया निकल गया, ऐसे सिचुएशन थी कि इसको जाना पड़ा, नहीं तो मैं तो जाने ही नहीं देती, बट क्या कर सकते, थोड़ी सी मजबूरी आ जाती है। सो फिर उसे जाना ही पड़ा मजबूरी में। तो इस तरीके से मनाया मैंने राखी। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और आपने राखी कैसी मनाई मुझे बताए, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो चैट करके या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हो यूट्यूब पे वीडियो पे। सो जो लोग मेरी राखी का वीडियो वेट कर रहे थे उनके लिए राखी की वीडियो आ चुकी है, पूरा ज़रूर देखें और बहुत सारा प्यार दे, लाइक करे, कमेंट करे। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।